सभी दर्शकों ना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे हो खबरा आपनी हाड़ोती सु। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना गृह जिला झालावाड़ दौरा का दूसरा दिन भी शहर का डाक बंगला में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के लार आम जनता सु मुलाकात की और वहां का अभाव अभियोग सुनिया। अरी दौरान वसुंधरा राजे सुमिलबा के लिए डाक बंगला में तड़का सु ही लोगा सुमिलबा शुरू हो गयो छो और मई जिला का दूर दराज का इलाका सु भी भाजपा कार्यकर्ता वसुंधरा राजे सुमिलबा के लिए पूगया। इस दौरान राजे ने विधानसभा वार संधा भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं मुलाकात की और जिला में विभिन्न मुद्दा कताई लेर भी फीडबैक लियो। तो वही दौरान माना मीडिया सु बातचीत जिला में अतिवृष्टि और बाढ़ का हालात का ला रही भाजपा में चल रहा पोस्टर विवाद पर भर्ती विभागी सु बातचीत की। कोटा में कोरोना संक्रमण खत्म होबा के बाद अब ब्लैक फंगस का मरीज भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछला एक सप्ताह में कोटा एमबीएस अस्पताल में ब्लैक फंगस को एक भी नया मरीज सामने आयो छ। अरशा में कोटा चिकित्सा विभाग में राहत की सांस ली छ। एमबीएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया कि ये पूरा सीजन में कोटा एमबीएस अस्पताल में अब ताई ब्लैक फंगस का लगभग 200 मरीज भर्ती होया छ, जामा सु 21 मरीजा की मौत हुई छ। और वर्तमान में कोटा एमबीएस अस्पताल में ब्लैक फंगस वार्ड में मात्र 13 मरीज भर्ती छ। डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया कि आबावाड़ा एक सप्ताह में लगभग संदा मरीज स्वस्थ होकर घर चल जाओगा और संदा मरीजा की हालत आबार खतरा बार छ। डॉक्टर नवीन सक्सेना को खेबो छो की ब्लैक फंगस का मरीजा का ताई दिया जावा वाली पोसाकोना टैबलेट की हमेशा वाका पास कमी रहो छ, पर वर्तमान में वाका सोडा पर्याप्त स्टाफ छ। वही ब्लैक फंगस का मरीजा का ताई लगाबा वाला इंजेक्शन वाका सोडा कोई कमी कोई ना। रशा में प्रत्येक मरीजा का ताई वाक क्वांटिटी के अनुसार इंजेक्शन लगाया जा रहा है। एक ला रही छुट्टी होबा वाला मरीजा का ताई भी पोसाकोना टैबलेट दी जा रही छ। ब्लैक फंगस के अभी ज्यादा पेशेंट नहीं बचे हैं क्योंकि कोरोना अपने कंट्रोल में है। मैंने कल का जो आकलन किया है, अभी मेरे पास यहाँ पे 13 पेशेंट मौजूद है, 13 के 13 सेटल है। जैसे धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे उनको भेज से जाएंगे। कोई डेथ वगैरह कोई नहीं, अभी कोई डेथ नहीं है। संभाग का सबसे बड़ा मात्र शिशु जेकलून अस्पताल में या दिनों फिर सु चर्चाओं में छ। अस्पताल में लगातार दूसरा दिन फिर हंगामा हो। महिला मरीजा कताई भर्ती न करवा को आरोप लगाता होया परिजना सहित स्थानीय लोगा ने अस्पताल अधीक्षक को घेराव कर आक्रोश जतायो। परिजना को आरोप छ की साजी देहड़ा निवासी महिला सन्नाज कताई देर रात अस्पताल लाया गयो छो पर भर्ती न करियो गयो और रात 11 बजे वो अटी उटी भटकती। काफी गुहार लगाबा के बाद महिला कताई अस्पताल में भर्ती कराया गयो और ये घटना कताई लेर आज तड़कफेर परिजना सहित स्थानीय लोग अस्पताल पुग्या और आक्रोश जतायो। स्थानीय लोग और परिजन अस्पताल पुगर अधीक्षक डॉक्टर एच एल मीणा को घेराव कर आक्रोश जतायो। मंगलवार कताई भी जेकेलून अस्पताल में मरीज का परिजन कताई अंदर प्रवेश करवा की बात कताई लेर जोरदार हंगामा हुए चो। हालांकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एच एल मीणा ने आरोपा कताई निराधार बतायो। मामला ये था कि कल एक लेडीज शादी देवड़ा बंजारा कॉलोनी की थी, वो सुबह 8 बजे एडमिट हुई थी यहाँ अस्पताल में जेके लोन में। तो वो जब अस्पताल में एडमिट हुई तो उनको रात के 11 बजे तक कोई बेड नहीं दिया गया और वो इधर से उधर घूमती रही, एक पट्टी पे अपना करती नहीं। तो मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया तो मैं रात में आया, तो मैंने जब उन लोगों को बोला तो उसके बावजूद उनको बेड मिला। तो अगर ऐसी सब चीजें चलती रहेगी अगर सरकारी अस्पताल में, तो लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागेंगे क्योंकि लोग कर्जा करेंगे, ब्याज पे पैसा लेंगे, 5% 10% पे पैसा लेकर लोग क्या करेंगे अपने जीवन को बचाने के लिए। अपनी जब ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो इंसान कर्जा करता है अपने जीवन को बचाने के लिए, कुछ भी कर सकता है, मतलब कर्जा करता है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है, अपनी जिंदगी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने लोगों की जिंदगी बचाता है। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था, ऐसी कोई शिकायत नहीं। थैलेसिया वालों को हमेशा ब्लड देते हैं यहाँ के कोटा में, जितना मैं जब से एचओडी बना हूँ जब से खूब ब्लड दिया है और मैं सुपरिटेंडेंट तो भी आया हूँ, मैंने तो भी ज्वाइन किया मैंने मर कर ले, और यहाँ कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। कोई भाई मरीज के रिश्तेदार ने कोई कंप्लेंट की नहीं, आते कि नहीं कि कभी सही लोग आए तो ये किस मामले ये लोग तो ऐसा तो मेरा कोई मामला इनका समझ भी नहीं है क्योंकि इनके दोनों के मरीज सेटल है, एकदम सेट है सारा। दोनों की दोनों के एक तो बच्चा थैलेस में आया था उसको ब्लड मिल गया, रजिस्ट्रेशन में कोई हो गई होगी तो वो तो करेक्शन करवाना ही पड़ता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ब्लड भी नहीं दे सकते, कल को कोई मरीज के साथ कोई हादसा हो जाए इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और कुछ नहीं।
कोटा में वन्य जीवा की सुरक्षा में लागो लाड़पुरा रेंज को वन विभाग संसाधना और स्टाफ की कमी से जूझ रो और वन्य जीवा का ताई रेस्क्यू करबा के लिए टीम का सोडे न तो उचित संसाधन छ और ना ही मौका ताई पुगाबा के लिए पर्याप्त वाहन छ और कैंटर का ताई और एक जीप की मरम्मत का अभाव में कबाड़ हो रही छ और एक जीप सु ही रेस्क्यू टीम और स्टाफ का ताई काम चलानी पड़े छ। स्टाफ की बात की जाओ तो लाड़पुरा रेंज में कुल 33 पद छ जामा सु एक रेंजर और 8 नाका प्रभारी कलार वन रक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल छ। हालात यह छ की रेंज में वना की सुरक्षा और रेस्क्यू के लिए काम करवा वाला महत्वपूर्ण वन रक्षक का पद भी रिक्त पड़ा हुआ छ। उच्चाधिकारी इस समस्या की पूरी जानकारी रखबा के बावजूद भी अनजान बढ़िया हुआ छ। लाड़पुरा रेंज का क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रदीप सिंह के अनुसार चंबल नदी का अथाह पानी में वरदान कलारा शहर का ताई मगरमच्छा की सौगात की तोहफा में मिली छ। अर्जी का कारण लगातार नहरी क्षेत्र में लागे इलाका में मगरमच्छ का ताई रेस्क्यू करबा के लिए टीमा भेजनी पड़े छ और रस्सियां और डंडा का बल पर भारी भरकम मगरमच्छा का ताई पकड़बो जान खतरा में डाल बसु कम कोई ना, पर उके बावजूद भी रेस्क्यू टीम ई चुनौती पूर्ण कार्य का ताई कर रही छ और इक ला रही वर्क चार्ज का पदा का ताई भी धीरे धीरे समाप्त करियो जा रहे छ। खास तौर से जब बारिश का मौसम आता है उसमें हमको रेस्क्यू करने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास एक थार जीप है, उसी से ही हम रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं तथा जो ऑफिस कार्य भी है वो भी उसके लिए भी वो जीप ही काम आ रही है। कितने पद हैं और कितने अभी महत्वपूर्ण पद खाली हैं? जी अभी वन रक्षक के 7 से 8 पद खाली हैं, इसकी वजह से भी कई बार थोड़ी परेशानी आती है रेस्क्यू वगैरह के लिए, तो स्टाफ की कमी है थोड़ी। तो रिक्वायरमेंट वगैरह जी जी उच्च कार्यालय में हमने इसके संबंध में बताया गया है कि भाई हमारे पास में 7 से 8 पद की आवश्यकता है। कोटा की लाइफलाइन कोचिंग पिछला कोरोना काल से बंद छ। शमा कोचिंग से जुड़िया हॉस्टल संचालन पर घर खर्च चलाबा के लिए नमक मिर्ची सुलेर हार्डवेयर का सामान ताई बेचबा पर मजबूर छ। कोरोना की मार अशी पड़ी छ की हॉस्टल व्यवसाय से जुड़िया अधिकतर लोगा ने अपने परिवार का ताई गुजर बसर करबा और बैंका की लोन किस्त चुकाबा के लिए दूसरा व्यवसाय करबो शुरू कर दियो छ। कई संचालक किराना की दुकान चला रहा छ तो कोई ने हार्डवेयर की दुकान डाल ली छ और कईया की हालत तो अशी होगी छ का वह सब्जी ताई बेचबा में मजबूर हो रहा छ। हॉस्टल संचालक को केवो छ की बेड कर कब तक खाऊंगा और अशा में घर खर्च चलाबा के लिए कुछ तो कर नहीं पड़ोगो और इलिए दूसरी व्यवसाय कर रहा छ और पण ई पूरा कोरोना काल में न तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार ने हॉस्टल संचालकों का ताई सूद ली छ। अन्य राज्य में कोचिंग और स्कूल और हॉस्टल शुरू हो गया छ पर कोटा में आभार ताई हॉस्टल कोचिंग स्कूल बंद पड़ा छ। हॉस्टल भले ही बंद पड़ा हो पर हर महीना लाइट को बिल आ रही छ जिक ताई चुकाबा के लिए भी लोन लेवा कताई मजबूर होनी पड़ रही छ। अगर ई तरह ही चालतो रियो तो हॉस्टल संचालक आत्महत्या करबा कताई मजबूर हो जाओगा और हॉस्टल एसोसिएशन का अध्यक्ष नवीन मित्तल ने बताया कि हॉस्टल कोचिंग खुलाबा के लिए माकी समिति लगातार धरना प्रदर्शन कर रही छ पर सरकार कताई ई ओर सु कोई ध्यान न पड़ रियो। अरी बारा में जमने लगातार केंद्र और राज्य सरकार का जनप्रतिनिधियों सु मिल चुका छ पर नतीजो फिलहाल सिफर पर ही छ। आदमी इतना परेशान हो चुका है कि भाई बस ये सोचते हैं कि भाई आत्महत्या कर लें अगर नहीं खुले तो, क्योंकि हालात ही ऐसे आ गए ना। कहाँ तक परेशान होएगा आदमी, कहाँ तक किस्ते के पैसे लाएगा, कहाँ तक क्या करेगा, मतलब यूँ है कि बस मर जाएं बस और कुछ भी उम्मीद नहीं दिख रही आगे। ये कोचिंगें खोलने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाइए, नहीं तो हालात इतने बुरे आ जाएंगे कि आदमी को मरने में उतरना पड़ेगा। 16 महीने से जो हॉस्टल बंद पड़े हैं हमारे और इसमें काफ़ी जो हॉस्टल मालिक है उनकी लगातार जो उन्होंने एक हॉस्टल निर्माण के लिए जो लोन ले रखा है उस लोन की उनकी ईएमआई लगभग चालू है उनकी, क्योंकि 5 महीने का जो मोरेटोरियम सरकार ने दिया था हमको वो ख़त्म हो गया था और उसके ख़त्म होने के बाद से लगातार लोग लोन के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो चुकी है उसके लिए। तो जो बहुत से जो हॉस्टल वाले हैं उन लोगों ने अपनी हॉस्टल व्यवसाय को अलग रख के अपने जीवन यापन के लिए परिवार चलाने के लिए उन लोगों ने किस लोगों ने किराने की दुकान खोल ली है, कुछ लोग इंश्योरेंस का भी काम करने लग गए हैं इसके अंदर, कुछ लोग हार्डवेयर का भी काम कर रहे हैं इसके अंदर कि अपना सामान हॉस्टल में रख के हार्डवेयर बेच रहे हैं जगह जगह जाके। कुछ जो मैंने सुना था कि जो कुछ लीज वाले जो थे हमारे साथ में वो इवन सब्जी तक बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं वो लोग। तो इस तरह के जो त्रासदी हॉस्टल वाले झेल रहे हैं, तो यदि ये लंबे समय तक यदि कोटा कोचिंग बंद रहती है तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ना हो कि ये व्यवसाय जो एक बहुत लंबे समय से जो कोटा का प्रतिष्ठित व्यवसाय हुआ करता था
वो खतरे में, इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और जो हॉस्टल चला रहे हैं मालिक, वो बहुत बुरी तरीके से अपना जीवन यापन परिवार का चलाने में बहुत मुश्किल में। हॉस्टल बंद होने से हमारा ही नहीं, पूरे कोटा का ही, मतलब सबकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। पिछले 2 साल से एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा और हमारा परिवार टोटली इस हॉस्टल आजीविका पर ही आधारित था, जिसके कारण से, हॉस्टल नहीं चलने के कारण से ये स्थिति हो गई कि घर का खर्चा चलाना तक मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ दुकानदारी में भी इसी तरीके की परेशानी आ रही है सभी लोगों के कोटा में। तो इसके कारण यहाँ नीचे जूस की दुकान थी, हमारी तरह ही पूरे मार्केट की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है, किसी की दुकान नहीं चल रही। स्थिति ये है कि आधे हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते थे, तो खर्चा निकलने के कारण आधा परिवार गांव में शिफ्ट करना पड़ रहा है। कोटा का जेकलोन अस्पताल में मासूम कताई अकेलो छोड़ जवा वाली पति पत्नी को पतो चाल गयो छ। पति पत्नी दोनों आदिवासी सहरिया इलाका का सूचा और आर्थिक तंगी का चालता व नवजात कताई छोड़ चल गया चा। जी पर बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चा का माता पिता की जानकारी ली गई, तो बुधवार कताई बच्चा का माता पिता जेकलोन अस्पताल को गया। NICU में भर्ती ई बच्चा का माता पिता 6 दिन पहले कई चल गया चा। और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि बच्चा का माता पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहा चा, चालता व बच्चा का ताई पालन पोषण न कर सकया और इस कारण बच्चा का ताई व जेकेलोन अस्पताल में छोड़कर भाग गया। और बच्चा का ताई छोड़कर जावा के बाद अस्पताल की देखरेख में बच्चा को इलाज करवाया जा रहा है। माता पिता का पहली सुही 3 संताना छ और ई बच्चा का ताई व आर्थिक तंगी सु परेशानी का चालता न रखबा की बात कर रहा छ। और अब बच्चा को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में छ और बच्चा को इलाज करवाया जा रहा है। कोटा ग्रामीण पुलिस की एक कार्यवाही सोशल मीडिया पर चर्चा को विषय बनी हुई है। जीमावाना एक आरोपी कताई गिरफ्तार करियो छ, जो कि अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान बेच रियो छ और उकसोडा सु 2 बीड़ी का बंडल भी पुलिस ने बरामद करया छ। ई कार्रवाई कताई सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जाओगो। कोटा ग्रामीण पुलिस का लोग जमकर मजा ई कार्रवाई पर ले रिया छ। मामला का अनुसार सुल्तानपुर थाना पुलिस ने हाई सेकेंडरी स्कूल का सामा अवैध रूप से धूम्रपान को बेचबा करवा वालो दिनेश गुजर कताई पुलिस ने गिरफ्तार करियो छ। निकला रही 2 बीड़ी का बंडल भी जब्त दिखाया गया छ। यह कार्रवाई 9/11 धूम्रपान अधिनियम के तहत करेगी छ। सावन माह की तीज कताई हरियाली तीज के रूप में मनाया जाओ छ। शमा कोटा शहर में कई जगह मंदिरा में सावनी तीज मनाएगी छ। शहर का कंसुआ शिव मंदिर समिति का तत्वाधान में हरियाली तीज को आयोजन करियो गयो। कोरोना गाइडलाइन की पालना करता हुआ हरियाली तीज मनाएगी और तीज पूजा करबा आई महिला उन्हें बताया कि हरियाली तीज में महिला पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा छ और ई दिन शिव पार्वती की पूजा सु अखंड सौभाग्य को आशीर्वाद मिले छ। यह दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाओ छ और व्रत कताई करबा सु अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो छ। विवाह योग्य कन्याओं कताई मनचाहो वर मिले छ और सारी मनोकामना पूरी हो छ। सावन की तीज है, जैसे कुंवारी कन्या को सावन के लिए मनाई जाती है, पूरे बहुत शुभ रहती है सावन तीज। संस्थान के तत्वाधान में हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं और ये इस बार ये सावनी तीज हमने यहाँ पर मनाई है सभी महिलाओं के साथ। पानी भर जाने के कारण पानी भर गया और मंदिर में कुंड में, इस वजह से यहाँ पर मनाई गई है। वैसे क्या महत्व है तीज का, क्यों मनाई जा रही है? ये स्वागन स्त्रियों के लिए मनाई जाती है, कन्याएं कुंवारी कन्याएं अपने वर के लिए मनाती हैं। तो सावन हरियाली मास की तीज है, ऐसे इसको कुंवारी कन्याएं और स्वागन औरतें अपने स्वाग के लिए ये व्रत को रखती हैं और पूजा करती हैं। कोटा विश्वविद्यालय में छात्रा ना बड़ी फीस कम करबा समेत विभिन्न मांगा कताई लेर उग्र प्रदर्शन करियो और छात्रा ना विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करी। यही कोई ने छात्रा ना विश्वविद्यालय का मुख्य दरवाजा कताई धक्का देर विश्वविद्यालय में प्रवेश करियो और इस दौरान पुलिस सहित विश्वविद्यालय का गार्ड आना व कताई रोकबा की कोशिश करी, पर छात्र आगे बढ़ गया। छात्रा ना कुल सचिव का नाम ज्ञापन परीक्षा नियंत्रक परवीन भार्गव कताई सौंपियो। किसी भी मोड में परीक्षाएं आयोजित कराई जाए, बिना परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया यदि प्रमोट कर दिया जाता है तो सनद नहीं देगी ऐसे विद्यार्थियों को, और सनद नहीं देगी तो वकालत नहीं कर पाएगा विद्यार्थी। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कराए जाए, हमारे यहाँ भी एग्ज़ाम आयोजित होंगे। विगत वर्ष जो था उस समय भी एग्ज़ाम कराए गए थे, इस बार भी एग्ज़ाम कराए गए।
कि कोटा विश्वविद्यालय और राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जब दो साल से बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, विकास शुल्क के नाम पे जो मनमानी से पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब छात्रों से, गांव ढाणी से पढ़ने वाले छात्रों से, किसानों पुत्रों से सबसे पैसे लिए जा रहे हैं, एक तो इस फीस में कटौती की जाए, और दूसरा ये है कि जब UGC की गाइडलाइन है कि विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय मिलकर अपने स्तर पर फैसला कर सकते हैं कि जिन बच्चों के पेपर नहीं करा सकते हो, असमर्थ हो, तो उनके पेपर प्रमोट कर दिए जाए, एग्ज़ाम प्रमोट कर दिए जाए, केवल फाइनल वालों को एग्ज़ाम कराया जाए। कोरोना काल को देखते हुए विश्वविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है, अगर इन दोनों मांगों पर छात्रों की तरफ से कोई विचार नहीं किया और इसमें हमारे जवाब नहीं आया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा छात्रों की तरफ से। छीपा बड़ोत का सारतल थाना क्षेत्र का बरसत गांव में नाला पार करता टीम बाइक समेत दो मोटियार बह गया और सूचना मलबा पर मौका पर पुग्या सारथल पुलिस का जवान आना किनारा पर सर्चिंग करी जिमा 30 मीटर दूर झाड़िया में फंसा होया भापुरा निवासी युवक मदनलाल कताई सुरक्षित बारा खाड़ियो वही दूसरा युवक को पतो न लाग सक्यो और घटना स्थल पर ग्रामीण की भारी भीड़ जमा होगी। वही DSP ओमेंद्र सिंह शेखावत और छीपा बड़ो तहसीलदार भेरूलाल मीणा NDRF की टीम कलारा मौका पर पुग्या जो NDRF की टीम ने लगातार 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला सर्चिंग की और उकबाद सफलता न मिलवा पर अंधेरो होबा की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करनी पड़ो। तड़का फेर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला नाला में भया युवक की तलाशी लीगी और जानकारी के अनुसार दोनों युवक रिश्ता में साड़ू लागत और दोनों युवका ने शराब का नशा में बाइक पर सवार हो नालो पार करवा की कोशिश करी थी। अंता में दूसरे की सुरक्षा करवा वाला RAC का जवाना कताई खुद की सुरक्षा करवो भारी पड़ रही हो। जवाना द्वारा की गई शिकायत के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान न दियो जा रहे हो और कस्बा में सुरक्षा कताई लेर CAD की पुरानी बिल्डिंग में RAC का भी जवाना की एक कंपनी को ठहरा रखे हो। इस भवन की हालत अतरी दयनीय की कभी भी बड़ो हादसों घटित हो सका। सर ये हम पिछले 7-8 महीने से करीब यहाँ अंता में ड्यूटी कर रहे हैं कानून व्यवस्था ड्यूटी में और ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल जर्जर है और इसी में दीवारें टूटी हुई, इसी के अंदर सांप भी निकलते हैं जी। और यहाँ जो बरसात का माहौल था वो बहुत ख़राब था, जो ये बना हुआ सारा इसमें करीब 5-5, 4-4 फीट पानी भरा हुआ था, इससे अंदर से हमारे बिल्डिंगों में रिसाव आ गया और लेटरिन होकर के पानी अंदर आ गया जी। दूसरी बात जो खाना हम मेज में खाना बनाते हैं वो पूरा हॉल टपकता, तो हमने बाहर बरामदे में ला के बरसाती लगा करके बरसात के अंदर खाना बनाया, बहुत ख़राब स्थिति, वो स्थिति आप खुद देख करके आए ऊपर बरसाती लगी हुई और यहाँ जो पानी भरा होता वो हमने नगर पालिका से जगह इंजन मंगा करके वो पूरे दिन में पानी निकला, अब यहाँ से हमारा रास्ता बिल्कुल बंद हो रखा था, इस तरह से पानी दाहिनी तरफ से आकर के बाईं तरफ निकल रहा था, इतना पानी था 5-5, 6-6 फीट। कितने लोग रहते हैं आप लोग इसमें जी? कितने लोग रहते हैं इसमें? हम लगी यहाँ 20 लोग रहते हैं सर। झालावाड़ खानपुर क्षेत्र में चांद नजर आबा का ला रही गागरून स्थित हजरत ख्वाजा हमीदीन चिश्ती और रहमतुल्ला अतलेह उर्फ मिठे मलवाली सरकार कताई 3 दिवसीय उर्स का आगाज हो और उर्स की शुरुआत दरगाह गुम्बद पर खामीदान कमेटी के द्वारा पंजा शरीफ पेश करियो गयो जो रिकल आ रही वक्फ बोर्ड राजस्थान की तरफ से मिठे महावाली कताई अस्थाना पर चादर पेश की गई और चादर पेश करवा वाला में पूर्व वक्फ बोर्ड सादर असलम अजमेरी और उर्फ इंतेजा मियां में कमेटी सदर अब्दुल रहीम मामू और कांग्रेस युवा नेता अरबाज खान इकबाल चिश्ती और पार्षद साजिद खान मौजूद रहा। रिकल आ रही दरगाह का बुलंद दरवाजा पर पूर्व सदर मुन्ना खान चेयरमैन साहब का परिवार द्वारा झंडा पेश करो गयो। चयनित कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपे और चयनित अभिवार्तियों का ताई पद स्थापन देवा और कार्यभार सूची जारी करवा की मांग की। सवाईमाधोपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों का पद पर भर्ती की गई चयनित 604 अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई जा जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का ताई 27 जुलाई ताई कार्यभार ग्रहण करवा का आदेश भी जारी किया गया जा जी पर चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लियो जो एक बाद चयनित अभ्यर्थियों का स्थगित का आदेश भी जारी कर दिया गया जा जो कोई भी तरह पर न्याय संगत कोई न। महमदपुर जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती हुई थी जिसकी लिस्ट के बाद मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 20 तारीख से लेकर 27 जुलाई तक उनको CMHO ऑफिस ज्वाइन करवाया गया था, उसके बाद पर पदस्थापना की जो लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई, तो साथ जो भी CHA साथी हैं वो बहुत ही आक्रोशित हैं क्योंकि उनको उनके डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए गए हैं, उनको खुद को जॉब से निकाल दिया गया है, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है कि वो एक महीने से बिल्कुल बेरोजगार है।
उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि क्या करें, क्योंकि वहाँ जिस जगह वो जॉब कर रहे थे उनसे वहाँ से निकाल दिया। और विधायक जी साहब से बात हुई थी, कलेक्टर महोदय से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि ये मंडे जो निकला है आपको इस पर 100% आपकी जो लिस्ट है पोस्टिंग लिस्ट वो जारी हो जाएगी, पर अभी तक लिस्ट कोई जारी नहीं है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे अगर हमारी पहले हमारी शर्त ये है कि कलेक्टर साहब से मिलेंगे, इसके बाद हम धरने प्रदर्शन जो है उसको जारी रखेंगे। तो ये चाहिए अपनी हाड़ोती में अबारताई की खबर। अब दीजो अदिति कताई विदा। राम राम।